नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को स्वागत करुछु माथुरी वर्तमान समय एक बड़ खबर नहीं आम आलोचना करने को चाहूँ अर्थात आप चित्र देखु तोगलिक मनोवृत्ति दलित अत्याचारित ये चित्र आपतु जी माँ जनक बसी ये माँ जनक कांदुंट नेहुरा आउ गोटे सैड देखु पुलिस प्रशासन से ढड़ा होती अर्थात पुलिस बाबू अच्छा चित्र को देखु जे माँ जनक बुलडोजर आगे शो पड़ते तो ये चित्र ही बयान करुच्चे जे ये हूँ करुण चित्र आपने सीधा सड़क बर्तमान मोबाइल स्क्रीन मध्यम देखिपुंट कि से कांदुंट आहुरा होती कोहभरा कंठरे कांदी कांदी से रास्ता उपर गड़ी जाऊँच किंतु एठारे प्रशासन नीरव द्रष्टा साजिश प्रशासन एठारे जुलूम कर प्रति अर्थात जिते बड़ी कि दलित पर जड़े रही आउ ये महामारी समय समय जड़े दलित परिवार उपरे दाव साधि प्रशासन जड़े भूमिहीन जड़े दलित परिवार रो घर उपरे बुली बुलडोजर आउ प्रशासन एठारे देखना हारी साजिश पुलिस एठारे चुप रही प्रशासन एठारे चुप रही सब सत्वे कि जनक घर आगे बुलडोजर बुलला घर को पूरा मटी मिसाई ये दृश्य केन्द्रापड़ सामना को आसुच्छे किंतु पुलिस देखना हारी साजिश प्रशासन एठारे चुप रही ये किभली मानसिकता ये किभली मानविकता अर्थात आम एठारे कही पारिबा जे ओडिसा रे किभली चलीचे शासन व्यवस्था एठारे शासन व्यवस्था को नहीं प्रश्न आसला कहीं आम एठारे एथिपाई कहूँ जे तोगलिक मनोवृत्ति कहीं ओडिसा रे चलीचे तो ये शासन से तो जड़े दलित परिवार को पुलिस प्रशासन भी देखला ना कि एठारे केन्द्रापड़ा पुलिस प्रशासन कथा कह जाऊ जे कौनसी भी आखिरे देखिले ना एभली गणे जड़े परिवार जड़े माँ एभली कांदुंट रास्तार गड़ जाऊँगी जी रही आपण मैंने देखिपे विजुआल को से किभली से गाड़ी सम्मुखें बा गाड़ी तले सोई जाउछंती जे तांको घर को भांगंतु नाही कोहभरा कंठरे कहउछंती किंतु एते सब सत्वे पुलिस काही की चुप रही ये शासन व्यवस्था काही की केबे मिलिब न्याय ये परिवार प्रति जेते बेले की तांको आवास योजना रे घर मिलला तांको बिजुली मध्य जोगाई दिया गला आउ आज 40 वर्ष पर पुलिस सेठरे काही की चुप रहला बा पुलिस प्रशासन सेठरे काही की तांको घर को भांगी देले बा बुलडोजर काही की तांको घर उपर बुलाइले आमे अधिक आलोचना करबा मो सहित विभूति भूषण मो सहयोगी जोड़े रहिछंती देखंतु ये जो चित्र आसुची केन्द्रापड़ा अत्यंत दयनीय चित्र मध्य आसुची जड़े माँ जनक रास्त सोई जाउछंती बुलडोजर आगे सोई जाउछंती ओडिसा रे प्रकृति रे कि प्रकार शासन व्यवस्था चलीछि निश्चित भाव माधुरी जो भाव केन्द्रापड़ा आई अंचल रासरपुर जो गामरु आसी जड़े दलित परिवार लोक को किभली भाव प्रशासन नेहुरा होता सत्वे बुलडोजर जगह भांगी दिगला दीर्घ 40 वर्ष धरी बसवास कर भूमिहीन लोक जोटी भूमिहीन लोक मना जो गरीब लोक सहयोग कथा कह जा प्रशासन सरकार घर आवास कथा कहु किंतु जी गरीब लोक अच्छी ताकू नाली देखला नाली आखि देखला प्रशासन आउ नाली आखि हार मारे गरीब घर लोक जो मैंने दलित परिवार लोक आज निर्वाचन मंडल दृश्य पूरा पूरी बयान करभली भाव नेहुरा होती प्रशासन को गुहारी करते घर न भांगापी दीर्घ वर्ष धरी भिटामाटी छाड़क पड़ी प्रशासन मुंड नाक पड़ी यही से लाचार थे यही पाखे कौन सी प्रशासनिक पावर नाला से वित्तशाही ना प्रभावशाली ना यही प्रशासन को बुलडोज मारा बुलडोजर मार घर भांगा मटी मिसेला आउ सी एवं नेहुरा होती कथा शुणब के जोटी केन्द्रापड़ा प्रशासन स्थानीय अईर तहसिलदार थाई कि ये निर्देशनामा जड़े प्रभावशाली व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित भंगा जाऊँ गरीब घर लोक जो दलित परिवार लोक किभली भाव निष्पेषित करभली भाव में जो कोरोना महामारी चलती पैंडेमिक सिचुएसन चलती जिते गरीब लोक थैथान व्यवस्था कह खाद्य मगणार व्यवस्था प्रधानमंत्री घोषणा करु राज्य प्रशासनिक अधिकारी किभली नाली आखि देखा तगलगी शाखन देखा किभली भाव घर भांगुं यहीटा ही बड़ प्रश्न दीर्घ 40 वर्षर भिटामाटी उच्छेद करोर जबरस्ती करुलम कराड़ मरा ये कौटि ना कौटि गरीब लोकपाई असहाय पर जो भाव उक्ति रही मैंने कुजी असरपा उपरे बिराड़ी अत्याचार से भाव प्रशासन जो भाव गुंडागर्दी करुक्त हेनी जे जिला केन्द्रापड़ा जिला प्रशासन तहसिलदार जो भी भाव जड़े गरीब लोक को दलित परिवार लोक को अईर जो घटना आसूची सामना को जो विजुअल आसूची जो वृद्धा माँ और जो वयस्क लोक नेहुरा होती निज जीवन को उत्सर्ग करते उच्छेद करान जाऊ वंचित करान जाऊ आउ से भिटामिट रहा दि जाऊ गुहारी कहीं शुणुना पुलिस जुलम कर प्रशासन जुलम कर प्रभावशाली लोक जुलम कर कौटिना कौटि प्रशासन राज्य सरकार जो जो कार्यक्रम उपरे प्रश्न उठू जे जड़े साधारण गरीब लोक दलित परिवार लोक दीर्घ 40 वर्षर तो भिटामाटी को हटे दि जाऊँगी
किभली भाव से न्याय पाए प्रश्न उठू कहीं क्यों केन्द्रापड़ जो जिला प्रशासन जिलापाल करुँच कौन जिते प्रशासनिक अधिकारी निर्देशना दौरान जो गलित आदिवासी परिवार को भूमिहीन लोक उच्छेद निर्देश दौंस ता पुणी बिजुली व्यवस्था करा कौ उद्देश्य क्या निर्देश उच्छेद करा ही बड़ प्रश्न आज सृष्टि करधुरी बिजुली रे बिजुली जोगाई दिगला अर्थात घर को आवास योजना घर या किंतु हठात 40 वर्ष पर ये जुलूम कहीं प्रशासन देखनाहारी साजुची बर प्रशासन मुहर तुंटी आम आपने चित्र देखिपल आपने देखिपे पर लोक जो मैंने रही से पर लोक किभली नेहुरा होती आम घर को भांगतु ना किंतु एठार कहीं भी शुणुना तो आसतु आम शुणा से पर लोक कौन रही प्रतिक्रिया आम आलोचना आगे ना मरमी मो जगह नागे मो पु कड़े भाजी गला मो जगह है मो पु तीस वर्ष 40 वर्ष होगा रही था घर करू दास नहीं घर कर मो पु को आज घर द्वार भांगी ताक सब नटीवाटी कर मरमी घर भांगू मोर न्याय दरकार मोर दाबी मो मत कौट थयाथन कर पिला मैंने कौट रही आठ आठ जन आम भाई आम समेत जगह सार अच्छे तीन टीम जगह अच्छे आम से जगार कहीं रो ना सारे मैंने तीन कड़ी भी पड़ू ना आम तेज छाड़ी तीस 40 वर्ष आसिक रही कई से जगार आऊ ना घर बाड़ी से भाई पैसा समेत कर सारे मुझे 40 वर्ष बापा रोला मुझे 40-45 वर्ष आम सर मूर्ख लोक मुझे हिसाब पत्र जानी ना मुझे कौट रही मो पु किरासी तेल नाई बड़ी सारा मो बासतान भांगे मुझे मो बासतान था आपने प्रतिक्रिया शुणुते ये हूँ पर जनक जनक प्रतिक्रिया मुझे मरबी पचे कि जगह छाड़ जी ना घर मटी हुए तो मिसी जाए कि ये माँ को प्रतिक्रिया जो आपड़ शुणे आपण मन को प्रश्न आंदोलित हो जे ओडिशा ये कि प्रकार शासन व्यवस्था चली कहीं मन इच्छा शासन चली कहीं केन्द्रापड़ा जिला प्रशासन और कहीं पुलिस प्रशासन चुप रही ये मन को निश्चित भाव प्रश्न समस्त मन को आसू कारण गोटे पटे सरकार कहते कोरोना महामारी समय कि समस्त चिंता बढ़ी एभली समय कहुच्चे समस्ते घरे रुहतु घरे रुहतु सुरक्षित रुहतु ये बाणी देखते शासक दल जो मैंने भी मुखिया रही कि 40 वर्ष पर आभली समय जन को घर को भांगी दौंट ये प्रकृत में किभ न्याय व्यवस्था पुणी थे मुझे विभूति आप निकट को फेरवा चाहिए प्रकृत में ये मन इच्छा शासन जो चली दिन चल निश्चित भाव केन्द्रापड़ा अईर जो रासरपुर ग्रामर जो आसी जो भिजुआल आसूसी दलित परिवार लोक जो भाव नेहुरा होती भिजुआल देखा बुलडोजर आगे निज जीवन को बाजी लगे प्रस्तुत होती कि नवेदन करवेदन कर प्रशासन को गुहारी कर दीर्घ 40 वर्ष दी से भिटामा से अंचल रोचे घरे रोचर घर को मटी में न मिसा जाऊ कथा टी शुणु गुहारी शुणु किंतु जड़े प्रभावशाली लोकर प्ररचन प्रशासन कम करोटना कौटि केन्द्रापड़ा जिला प्रशासन केन्द्रापड़ा जिलापाल तहसिलदार प्रश्न उठू गरीब लोक न्याय देवाई आपंक विधि व्यवस्था ना गरीब लोक नियमकानून अलग जड़े प्रभावशाली व्यक्ति प्रशासन किभली भाव कथार निर्देश काम करोट नहीं तगलुक शासन चली अनुमान हो जो जड़े गरीब दलित लोक न्याय पाऊनी जस्टिस पाऊनी सी लड़े करहुरा होकुल नवेदन कर 80 वर्ष वृद्धामा किभली भाव क्रंदनरत हो प्रशासन आगे हार मानी नेहुरा होती गोड़ धरी बुलडोजर आगे निज जीवन को बलि देवाई प्रस्तुत होती घरटा बंचिकी रहू आम पर लोक रही आउ यिजुआल हृदय विधारक भिजुआल कौटना कौटि सरकार पाखे पहुँच पार नहीं यहीपाई केन्द्रापड़ा जिला प्रशासन ये गुंडा साजिश कि भाव जड़े गरीब लोक को उच्छेद कर मटी घर को मटे मिसई दी जड़े प्रभावशाली लोक विभु दास प्ररचन ये तहसिलदार प्रशासन किभली भाव न्याय दौरान तहसिलदार निर्देशनामा किभली भाव कार्यकारी कराला ये तो बड़ प्रश्न सृष्टि होने साधारण गरीब लोक तार न्याय पाईपर तार घर रहीबार अधिकार ना दीर्घ 40 वर्ष किभली रोला किभली भाव से स्थानीय लोक अनुमति दे प्रशासन किभली अनुमति देता आ हठात किभली भाव
आईन कानून परिवर्तन होगा हटात तांकु उच्छेद करा जाउची कहा निर्देश रे ये तो कौट ना कौटी केन्द्रापड़ा जिला प्रशासन जिलापाल एवं अहिरन जो तहसीलदार तांकर कार्यदक्षता को प्रश्न उठू गरीब लोकों पर आपण कौन नियम कानून नहीं कोरोना लग चलती महामारी चलती लॉकडाउन चलती सटडाउन हो साप्ताहिक सटडाउन रोचे लोक मैंने घर न बाहर को परामर्श दौरान आउ ये विपद महामारी समय लड़ापी बड़ बड़ भाषण दौरान प्रशासनिक अधिकारी आरम्भ कर राज्यर मुखिया कहते किंतु ये प्रशासन तार उल्टा काम कर प्रशासन गुंडागर्दी सारी प्रशासन धमकी दौर आउ बुलडोजर लगाई गरीब गरीब दलित परिवार लोक माटी में मिसाई दिबे दलित परिवार को एठी माटी में मिसाई छै किंतु केंद्रापडार छै जिला प्रशासन रहै छथि एवं पुलिस जो माने रहै छथि से माने एठी देखना हरि साजी छथि आ एठारे प्रशासन चुप रहै छथि काहे कि कोनोसे प्रकार कार्यनुष्ठान नया जाउ नै बा जदि से परिवार लोक सेठारे रहितिले आ आज हटात काहे कि सेठा को उच्छेद कराकला जे मांग मध्य कांदु छथि तांको कांदो मध्य का कानर पडुनी हम सहित जोडी होय छथि वर्तमान समय अधिक आलोचना पई आदिवासी दलित महासंघर सभापति लिटो दास हम सहित जोडी रहै श्रीयुक्त दास आपको अर्गस न्यूज को स्वागत करुच्छी आम वर्तमान समय जो आलोचना करुच्छे ये हूँ केन्द्रापड़ जो चित्र आसी 40 वर्ष धरी ये दलित परिवार सेठे बास करुते आवास योजन घर दिगला घर बिजुली कनेक्शन कराला आते सब पर हटात प्रशासन से कौन प्रकार सूचना दि जाए ना आज हटात प्रशासन घर को उच्छेद कर सारा राज्य पुलिस दिन कु दिन केन्द्रापड़ा सरकार पूरा अपा सरकार जो भाव समय दलित मान ये हूँ राज्य सरकार को अपारगता आम कहीपर ये ओडिशा रे प्रकृत रे की प्रकार शासन व्यवस्था चली जो कि पुलिस प्रशासन देखना हारी साजुंती माँ जनक घर आगे कांदुंट जिते घर को बुलडोजर लगे जो मटी में मिसाई देते से माँ जनक कांदुंट आम सहित सीधा सड़क जोड़ रही आम प्रतिनिधि प्रभात लेंका जोड़ रही प्रभात आप रिपोर्ट फाइल कर प्रकृत में घटनाक्रम कौन रही वर्तमान समय कौन सेठाकर परिस्थिति रही जानक गोटे परिताप विषय पलटी बारंबार केन्द्रापड़ा अच्छे जब कह केन्द्रापड़ा नेता लालमाला अच्छा जी जनता ये बेहाल से भरत मल्लिक जी अच्छा से भरत मल्लिक दीर्घ 40 वर्ष धरी रही आसुले तो पत्रपुर पंचायत रही आसुले तो बास्तवपत्र जो रही आसुले प्रधानमंत्री आवास मिलता जदि कह गोटे किस्ती से टा पाई गोटे किस्ती टा पाइबा पर राजनैतिक आक्रोश कर राजनैतिक आक्रोश रिकार होता तेज से गोटे किस्ती टे गोटे एडजस्टेस घर बहुत कष्ट करते तेज पर सहित रोते बुधा माँ मध्य रोते तेज जी थी पड़ोसी थी विभु दास जे जो शासक दल रदिओ कह सीधा साल शासक दल रे कर्मी सक्रिय कर्मी थे और सरपंच भल एजेंट भाव कम करते तेज जगह को जो सरकारी जगह लगी रही है से जगह को हटेवाई जिला प्रशासन को आरंभ कर तहसील ठू विधायक पर्यटन दौड़े और ये जो भरत मल्लिक जी गरीब लोक बारंबार हईराण हरकत करते जहाँफल पंचायत मध्य बारंबार बसला किसी वर्ष तले जदि आम कह कि वर्ष तले घर को आक्रोशमूलक भाव गोटे चाह छपर घर ताकूल पोड़ी देते गोटे माधुरी गोटे परिताप विश्व पलटी जो सी बारंबार जे स्थानीय विधायक अच्छा प्रताप तहसील देव पाखे भरत मल्लिक जाते और निजर गुहारी जनईते जो कह गुहारी मानव विधायक शुणी तो बारंबार से गत तीन दिन तले से जाते केन्द्रापड़ा जिलापा को भेटी केन्द्रापड़ा उपजिलापा भेटी भेटला किसी समय मागिंट तथा समय दि जाए आड़ी तहसीलदार जी अच्छा तहसीलदार पाखे गुहारी करते वृद्धा माँ जन जो बारंबार गुहारी करपर भाव आड़ी थाना अधिकारी सामने घर किभली भाव कपड़ा कचड़ा कर घर समस्त पदार्थ को बाहर कर घर भांगी दिया गोटे परिताप विषय पलटी जो दलित पर किभली भाव निष्पित होती आड़ी अंचल जब कह मान विधायक जी अच्छा प्रताप केशर देव बारंबार साधारण जनता अच्छी कहते कोरोना महामारी समय रही कह सटन समय रही लॉकडाउन समय रही गरीब दलित लोक कम पाऊनी भेट भोक निजर जीवन जीवन जीविका निभा पर जो प्रकार आक्रोश मूल्यवस्था घर को बुलडोजर लगे भांगी दी जाए गोटे प्रकार निश्चित भाव आड़ी अंचल अनेक समाज
ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଘୃଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କହିବା ସେ ପରିବାର ଏବେ ପୁରା ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ କାଲି ତାର ଚିତ୍ର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ସେ ଯୋଉ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ପଲିଥିନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି। ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପରିତାପ ବିଷୟ ବାଲୁଛି ମଧ୍ୟ ନିହାତି। ଏବେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କିଭଳି ପ୍ରଶାସନ ଦାଉ ସାଧୁଛି ସେ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲୁ, ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଖାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜଣେ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ପରିବାରକୁ ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସୂଚନା ନ ଦେଇ କାହିଁକି ସେ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ? ଏଠାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ଥିଲା, ଯଦି ସେ ପାଇବାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ସେ ଘର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦିଆଗଲା, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରାଗଲା? ଯଦି ସେତେବେଳେ ଘର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ହଠାତ୍ ଆଜି 40 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଘରକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏଠାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମାଆ ଜଣକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୁଲ୍ଡୋଜର ଆଗରେ, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ତ ମୋ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ବିଭୂତି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆମେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲୁ, ଯିଏକି ଥିଲେ ରୂପଲ କୌର ମାଖିଚା। ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ କରୋନା କାଳରେ କିଭଳି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଦାଉ ସାଧିଥିଲା, କିଭଳି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଇଏ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନର କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହେଉଛି, କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗରିବ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଏଠି ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ଘର ଦେଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଥିବା ଘର ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି, ଏଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ, ଯେ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେଇଥିଲେ, ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ, ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ସରକାରୀ ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସରକାରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଗଲା, ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଲେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କାହା ଚାପରେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଜନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରୁପୁଲ କୌର ମାଖିଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠିକାର ଯିଏ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ମହାଶୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଗରିବ କରୋନା ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଜଣେ ଦୋକାନ କରି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଉଚ୍ଛେଦ କଲା। ଏଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜ ବଞ୍ଚିତ ହକରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି, ନିଜ ଭିଟାମେଟ୍ରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ 40 ବର୍ଷର ଯେଉଁଠି ରହିବା ସ୍ଥାନରୁ ହଟଉଛି, ଏଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଜଣେ ଦଳିତ ଲୋକକୁ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି, ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି, ତା ନେହୁରା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ହିଁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଠେଇଲେ, ଏହା ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମାଧୁରୀ। ନିହାତି ଭାବେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି କଥା କହୁଛୁ, ରୂପଲଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁନଥିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ସେଠାକାର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି 40 ବର୍ଷ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଣେ ଦଳିତ ପରିବାର ଉପରେ ଇଏ ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି, ଇଏ ଜୁଲୁମ ସେ ପରିବାର ପ୍ରତି କାହିଁକି? ଯଦି ସରକାରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସରକାରୀ ଭାବେ ଯଦି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିଜୁଳି ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ସରକାରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ହଠାତ୍ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ନ ଦିଆଯାଇ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭଙ୍ଗାଗଲା? ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ କିଭଳି ଶାସନ ଚାଲିଛି? ଆଉ ଆପଣମାନେ ହିଁ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ କିଭଳି ଶାସନ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା ଇଏ କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ହିଁ ନିଜେ କହିପାରିବେ। ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ, ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ ଜାଣିପାରିବେ ହୁଏତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ରଖିଥିଲୁ ଯେ ତୋଗ୍ଲକି ମନୋବୃତ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ତୋଗ୍ଲକି ମନୋବୃତ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଲିଟୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ସମୟ ସରିଛି, ବି ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।